जलियांवाला बाग अमृतसर शहर, तारीख 13 अप्रैल सन 1919। वक्त सूरज ढलने से चंद मिनट कबल। 104 साल पहले अप्रैल 1919 में रोल्ड एक्ट के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में हड़तालों और एहतजाजी मुजाहरों का आगाज़ हुआ। 10 अप्रैल को डॉक्टर कुचलू और डॉक्टर सत्यापाल को गिरफ़्तार कर लिया गया। उनकी असीरी पर एहतजाज के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के 15 से 25 हज़ार अफराद जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। अचानक लोगों ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। एक हवाई जहाज़ बाग पर कम बुलंदी से परवाज़ करता हुआ गुज़रा। उसके एक बाजू पर एक परचम लगा हुआ था। इन लोगों ने इससे पहले कभी हवाई जहाज़ नहीं देखा था। बाज़ लोगों ने इसे देखकर वहां से चले जाने में खैरियत समझी। अचानक लोगों को अकब से भारी बूटों की आवाज़ सुनाई दी और सेकंडों में जलियांवाला बाग के तंग रास्ते से 50 फौजी नमूदार हुए, जो दो दो की फॉर्मेशन बनाते हुए ऊंची जगहों पर दूर तक फैलने लगे। भीड़ के एक हिस्से ने चीख कर कहा, आ गए आ गए, और वहाँ से जाने के लिए उठ खड़े हुए। फिर एक आवाज़ आई, बैठ जाओ, गोली नहीं चलेगी। बग़ैर इंतबाह के फायरिंग। इसी वक़्त ब्रिगेडियर रेजनाल्ड डायर ने चीख कर कहा, गोरखाज राइट 59 लेफ्ट, 25 गोरखा और 25 बलोच फौजियों में से निसफ ने बैठकर और निसफ ने खड़े होकर पोजीशन ले ली। डायर ने बिला ताखीर हुक्म दिया, फायर। फौजियों ने निशाना लगाया और बग़ैर इंतबाह गोलियां बरसानी शुरू कर दीं और चारों तरफ लोग गोलियां लगने से गिरने लगे। घुटनों के बल बैठे फौजी चुन चुन कर निशाना लगा रहे थे। इनकी कोई गोली ज़ाय नहीं जा रही थी। डायर ने फिर हुक्म दिया कि वो अपनी बंदूकें दोबारा लोड करें और इस तरह फायरिंग करें जहां ज़्यादा भीड़ है। लेट जाने वालों को भी नहीं छोड़ा। लोग खौफ के आलम में चारों तरफ भागने लगे, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल सका। सब लोग तंग गली के रास्ते पर हो लिए और बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। डायर के फौजियों ने इन्हें निशाना बनाया। लाशें गिरने लगीं, कुश्तों के पुश्ते लग गए। बहुत से लोगों ने दीवार पर चढ़कर भागने की कोशिश की, लेकिन फ़ौजियों की गोलियों का निशाना बन गए। भीड़ में मौजूद कुछ साबिक फ़ौजियों ने चीख कर लोगों से लेट जाने के लिए कहा, लेकिन इन लोगों को भी पहले से लेट कर पोजीशन लेने वाले गोरखा ने नहीं बख्शा। डायर ने बिलाखिर फायरिंग तब रोकी जब उन्हें लगा कि फ़ौजियों के पास बहुत कम गोलियां बची हैं। फायरिंग रोकने के बाद डायर अपनी गाड़ी तक पैदल चल कर गया और राम बाग वापस चला गया। उसने ज़ख्मियों के इलाज के लिए कोई एहतमाम ना किया। गोलियों के खौलों की तादाद 1650 पाई गई। इस रात जलियांवाला बाग में गोलियों का शिकार होने वालों को कोई तिब्बी इमदाद नहीं मिली, ना ही लोगों को अपने मरने वालों और ज़ख्मियों को मैदान से बाहर ले जाने की इजाज़त दी गई। शहर भर का पानी बंद। जलियांवाला बाग में कत्लेआम के बाद जनरल डायर शाम 6:30 के आसपास अपने कैंप पहुंचा। उसने पूरे शहर की बिजली और पानी काट दिया। रात 10 बजे उसने शहर का एक बार फिर दौरा किया।
ताकि ये देख सकें कि घर से ना निकलने के उसके हुक्म की पाबंदी हो रही है या नहीं। इससे ज़्यादा जुल्म की और क्या बात हो सकती थी कि लोगों के बच्चे, रिश्तेदार और बुज़ुर्ग जलियांवाला बाग में ज़ख्मी तड़प रहे थे या मरे पड़े थे और लोगों को इनकी मदद के लिए बाहर आने की भी इजाज़त नहीं थी। डायर को इस रात सड़क पर एक शख्स भी नज़र ना आया, लेकिन पूरा शहर जाग रहा था और वहाँ एक मनहूस सन्नाटा छाया हुआ था। जनरल डायर ने बाद में पंजाब के चीफ सेक्रेटरी J.P. थॉमसन को बताया कि गोली चलाने का फ़ैसला करने में उसे सिर्फ 3 सेकंड लगे। इस वक्त स्टेज पर बैंक के क्लर्क बर्ज बेकाल अपनी नज़म फरियाद सुना रहे थे। अमेरिका में भारत के साबिक सफ़ीर नौतेज सारना ने लिखा है कि एक जिक्र मिलता है कि डायर के एक साथी बर्ग्स ने कोहनी से पकड़कर उनकी कमीज़ को हिलाया, गोया ये कह रहे हों कि अब बहुत हो चुका, लेकिन डायर ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। वहाँ एक अंग्रेज़ SP रहेल भी मौजूद थे। उन्होंने हंटर कमेटी के सामने गवाही देते हुए कहा कि हवा में लोगों के दौड़ने की वजह से धूल और खून ही खून था। किसी की आँख में गोली लगी थी तो किसी का पेट बाहर आ चुका था। हम इस कत्लेआम को नहीं देख सके और बाहर बाग से बाहर निकल आए। रहेल की भतीजी ने डायरी में लिखा कि इस वाक़े के बाद इनकी पहले जैसी शख्सियत ख़त्म हो गई और वह बेतहाशा शराब पीने लगे। पीपल के पेड़ और दीवारों पर निशान, जलियांवाला बाग पर ओपन रिबेलियन इन पंजाब नामी किताब के मुसन्निफ कपिल देव मालोवे एक जगह लिखते हैं, एक मकामी डॉक्टर का 13 साल बेटा मदन मोह अपने दोस्तों के साथ खेलने रोज़ जलियांवाला बाग जाया करता था। उस दिन उस पर चलाई गई गोली निशाने पर लगी और उसकी खोपड़ी उड़ गई। चलाते हुए दर्जनों लोगों ने एक बड़े पेड़ के पीपल के पेड़ के तने के पीछे आड़ ली। डायर ने अपने फौजियों को हुक्म दिया कि वो पीपल के दरख्त को निशाना बनाएं। बच्चे को दीवार के पार फेंक दिया। भरपूर सिंह 13 अप्रैल 1919 को सिर्फ 4 साल के थे, लेकिन उन्हें इस दिन के वाकयात ता उम्र याद रहे। उन्होंने कहा, मैं उस दिन अपने दादा के साथ जलियांवाला बाग गया था। जैसे ही गोलियां चलना शुरू हुई, मेरे दादा मुझे उठाकर दीवार की तरफ दौड़ने लगे। जब इन्हें लगा कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, उन्होंने मुझे 7 फुट ऊंची दीवार के बाहर फेंक दिया। नीचे गिरने से मेरा बाजू टूट गया, लेकिन मैं वो कहानी सुनाने के लिए ज़िंदा रहा। हम इस तकलीफ़ में भी कई दिनों तक अस्पताल नहीं गए, क्योंकि हमें डर था कि कहीं हम पर और जुल्म ना ढाए जाएं। रतन देवी की दर्दनाक कहानी, मारूफ किताब जलियांवाला बाग अ ट्रू स्टोरी की मुसन्निफा किशोर डिसाई बताती हैं, रतन देवी का घर जलियांवाला बाग के इतना करीब था कि उन्होंने अपने सोने के कमरे से गोलियों की आवाज़ें सुनी। वो बदहवासी की हालत में दौड़ती हुई बाग पहुंची। इनके सामने लाशों का ढेर लगा हुआ था। वो अपने शौहर को ढूंढने लगी। लाशों को हटाते हटाते अचानक उनकी नज़र अपने शौहर के मुर्दा जिस्म पर पड़ी। थोड़ी देर बाद इन्हें लाला सुंदर के 2 बेटे आते दिखाई दिए। उन्होंने इनसे कहा कि वो किसी तरह एक चारपाई ले आएं ताकि इनके जिस्म को घर ले जाया जा सके। उन्होंने मदद का वादा किया, लेकिन वो लौट कर नहीं आए। रतन देवी ने एक सिख शख्स से दरख्वास्त की कि वो उनके शौहर के जिस्म को एक खुश्क जगह पर ले जाने में इनकी मदद करें, क्योंकि जहां इनका जिस्म था इसके चारों तरफ खून ही खून था। उन्होंने सर की तरफ से इनके जिस्म को पकड़ा और रतन देवी ने पांव की तरफ से और उन्हें एक लकड़ी के सहारे लिटा दिया। रात के 10 बजे तक उन्होंने इंतज़ार किया, लेकिन कोई नहीं आया। उन्होंने अपने मुर्दा शौहर के सर को अपने गोद में रख कर पूरी रात गुजारी। उनके एक हाथ में डंडा था ताकि खून की बू सूंघ कर आने वाले कुत्तों को भगाया जा सके। उन्होंने देखा कि एक 12 साल का लड़का इनके पास पड़ा हुआ है,
جو شدید زخمی تھا، انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ اسے کوئی کپڑا اڑا دیں۔ لڑکے نے کہا کہ نہیں، لیکن مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ انہوں نے کہا، میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ تھوڑی دیر بعد لڑکے نے کہا، مجھے پانی چاہیے، لیکن وہاں ایک بوند بھی پانی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد رتن دیو کی اس کی کراہیں سنائی دینا بند ہو گئیں۔ صبح تک باغ کے اوپر چیلے اڑنے لگیں تاکہ خوراک حاصل کر سکیں۔ گرمی کے سبب لاشیں جلدی سڑنے لگیں۔ اس واقعے کے 3 ماہ بعد جب کانگریس کا وفد جانچ کے لیے وہاں پہنچا، اس وقت بھی فضا میں لاشوں کی بدبو موجود تھی۔ 35 سالہ ٹھیکے دار لالا ناتھو رام نے کانگریس کی جانچ کمیٹی کو بتایا، میں اپنے بیٹے کو اور بھائی کو ڈھونڈنے نکلا تھا، مجھے اپنی پگڑی سر پر رکھنے میں بہت محنت کرنی پڑ رہی تھی، کیونکہ گوشت حاصل کرنے کی کوشش میں چیلے اپنی چونچوں سے سر پر حملہ آور تھی۔ بعد میں پولیس انسپیکٹر رہل اور جواہر لال نے ہنٹر کمیٹی کے سامنے گواہی دیتے ہوئے کہا تھا، ان لوگوں کے فرار کی وجہ سے فضا میں پیدا ہونے والی دھول اور خون ہی خون تھا۔ کسی کی آنکھ میں گولی لگی تھی تو کسی کی انتڑیاں باہر آ گئی تھی۔ ہم اس قتل عام کو دیکھ نہیں پائے اور باغ سے باہر چلے آئے۔ ہنٹر رپورٹ کے مطابق ڈائر نے اندازہ لگایا کہ تقریباً 200 سے 300 افراد ہلاک ہو گئے ہوں گے، لیکن بعد میں اس نے تسلیم کیا کہ مرنے والوں کی تعداد 400 سے 500 کے درمیان رہی ہوگی۔ باغ سے ملحق مکانات میں رہنے والے قصائی محمد اسماعیل اس وقت اپنے گھر کی چھت پر کھڑے تھے۔ انہوں نے کانگریس کی تفتیشی کمیٹی کو بتایا، ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں، میرے حساب سے تقریباً 1500 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ خیر الدین تیلی بھی مرا پڑا تھا، اس کے ہاتھ میں اس کا 6 یا 7 ماہ کا بچہ بھی تھا۔ 8 بجے کے بعد پورے شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ اگلی صبح تک زخمی بغیر کسی طبی مدد کے وہیں پڑے رہے۔ انسانی خون کی بو پا کر کچھ آوارہ کتے جلیاں والا باغ پہنچ گئے اور پوری رات انہوں نے ادھر ادھر بکھری لاشوں کو کھایا۔ ڈائر کو ہاؤس آف لارڈز نے کلین چٹ دی۔ ابتدا میں تو برطانوی حکومت نے اس قتل عام کا کوئی نوٹس نہیں لیا، لیکن جب خبر پھیلنے لگی تو انہوں نے اس کی تحقیقات کے لیے ہنٹر کمیٹی تشکیل دی۔ نوتیج سارتا بتاتے ہیں، ہنٹر کمیٹی کی رپورٹ میں ایک متفقہ رپورٹ تھی اور دوسری اقلیت کی رپورٹ تھی۔ دونوں فریقوں نے ڈائر کو غلط کہا، لیکن کسی حد تک اس میں دونوں میں اختلافات تھے، لیکن پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر مائیکل اور ڈائر کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ برطانوی حکومت نے ڈائر کو استعفیٰ دینے کے لیے کہا۔ وہاں کے ہاؤس آف کامنز میں اس معاملے پر شدید بحث ہوئی اور وہاں بھی یہ طے پایا گیا کہ جو ڈائر نے کیا وہ مکمل طور پر غلط تھا، لیکن ہاؤس آف لارڈز نے اس کو الٹ دیا اور برطانوی حکومت سے کہا کہ اس نے ڈائر کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ ہنٹر کمیٹی نے اعتراف کیا کہ فائرنگ میں 379 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 337 مرد اور 41 بچے شامل تھے۔ اس رات ڈائر نے جب پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر اور ڈائر کو اپنی رپورٹ بھیجی تو اس میں کہا کہ تقریباً 200 افراد ہلاک ہوئے ہیں، لیکن کشور دیسائی بتاتی ہیں، بہت سے عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ کم از کم 1000 لوگوں کی موت ہوئی اور قریب 4-5 ہزار زخمی ہوئے۔ کچھ زخمی اپنے گھر جا کر مرے۔ انگریزوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ جلیاں والا باغ میں موجود تھے تو آپ نے حکومت کے خلاف غداری کی، اس لیے لوگ بتا ہی نہیں رہے تھے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار مرا یا زخمی ہوا۔ آرٹ اور کلچرل ہیریٹیج ٹرسٹ اور پارٹیشن میوزیم نے مرنے والوں کی تمام فائلوں کی گہری جانچ پڑتال کی ہے۔ ہم نے 502 مرنے والوں کے مکمل طور پر کنفرم نام نکالے ہیں۔ اس کے علاوہ 45 لاشیں ایسی تھیں جو باغ میں پڑی ہوئی تھیں اور ان کی شناخت نہیں ہو پائی۔ ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس سانحے میں کم از کم 547 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
महात्मा गांधी और रविंद्र नाथ टैगोर का एहतजाज, इस वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए महात्मा गांधी ने अपने तमाम तमगे वापस कर दिए। रविंद्र नाथ टैगोर ने वायसराय चेम्स फोर्ड को ख़त लिखकर नाइटहुड का एजाज़ वापस कर दिया। बाद में नेहरू ने अपने सवान उम्री में लिखा, 1919 के आखिर में रात के की ट्रेन से अमृतसर से दिल्ली आ रहा था, सुबह मुझे पता चला कि मेरे डब्बे के सारे मुसाफिर अंग्रेज़ फौजी अफसर थे। इनमें से एक आद बढ़ चढ़कर अपनी बहादुरी के किस्से बयान कर रहा था। थोड़ी देर में ही मुझे पता चल गया कि वो जलियांवाला बाग वाला जनरल डायर था। वो बता रहा था कि किस तरह उसने पूरे बागी शहर को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। जनरल डायर को कोई सज़ा तो नहीं दी गई, लेकिन वक्त से 2 साल पहले ही रिटायर कर दिया गया। ये भी कहा गया कि भारत में वो अब कोई काम नहीं कर सकेगा। 20 अप्रैल 1920 को वो इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ, जहां 7 साल बाद 23 जुलाई 1927 को उसका इंतकाल हो गया। जलियांवाला बाग साने ने पूरे पंजाब में आग लगा दी, जिस पर काबू पाने के लिए 2 दिन बाद पूरे पंजाब में मार्शल ला नाफिज़ कर दिया गया। जलियांवाला कत्लेआम से हिंदुस्तानी और बरतानिया के दरमियान जो खलीज पैदा हुई, उसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सका। और इस वाक़े के 28 साल बाद अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से जाना पड़ा। कत्लेआम के बाद संगरूर ज़िला के सनाम गांव के एक नौजवान ने इसका इंतकाम लेने की कसम खाई। इस नौजवान अदम सिंह को वो कसम पूरा करने में 21 साल लग गए। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैकेस्टन हॉल के एक इज्तम में उसने अपनी पिस्तौल से एक के बाद एक 6 फायर किए। 2 गोलियां वहाँ मौजूद एक शख्स को लगीं, वो वहीं पर गिर गया और फिर कभी नहीं उठा। इसका नाम था सर माइक फ्रांसिस और डवायर। वो जलियांवाला बाग कत्लेआम के वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और उसने जनरल डायर की फायरिंग की कार्रवाई को एक सही कदम करार दिया था।